नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको RBL बैंक का इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि RBL बैंक में आप किस पोजीशन पर पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं RBL बैंक में गया, चार्ट ओपन किया मैंने। सबसे पहले आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमें एंट्री कब लेनी चाहिए थी। अभी यदि आप देखेंगे एक घंटे के चार्ट पर, तो आपका एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है इसमें, ये ख़तरनाक सपोर्ट पॉइंट है दोस्तों। दूसरी बात, और सपोर्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस दे, एक ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। यानी एक एंट्री आपकी यहाँ होनी चाहिए थी और दूसरी एंट्री आपकी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट अभी उसके ऊपर है। तो अभी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं बिंदास, और इसमें आप दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि मैं 1 आवर के चार्ट में जाऊं, तो 1 आवर चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये कैसे सपोर्ट पॉइंट से ऊपर जा रहा है। एक सपोर्ट पॉइंट ये है और दूसरा सपोर्ट पॉइंट ये है। एक दिन का कैंडल यहाँ पर बन चुका है, तो ये अभी और भी ऊपर जाने की संभावना है। तो इस वक्त आप RBL बैंक में अपना पोजिशन बना सकते हैं।